उम्मीद लग रही है क्या? ये रूमर है। नहीं, ये हो सकता है तकनीकी तौर से सरकार एक जो है वहां जो एक वर्चस्व है उसको तोड़ने के लिए, वहां पर कतरने के लिए, वो पर जो बेकाबू लोग हैं, कुछ इस तरह का कोई भी फैसला कर सकते हैं कि वहां पर जो इस तरह की आतंकवादियों की जो एक चेन है, एकजुटता है, वहां की जनता को भड़काने के लिए वो एक अपना समुदाय, एक देश समझने लगे हैं, तो उनको हिस्सों में बांटने से उनकी ताकत कमजोर होगी, उनके हौसले पस्त होंगे, वो हौसले जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं समझते हैं, वो अपने को पाकिस्तानी कहते हैं, वो अपने को एक राष्ट्र कहते हैं, उसके लिए सरकार का कोई कड़ा हस्तक्षेप होना जरूरी है। उनकी चिढ़ इस बात की है कि सरकार हमारे राज्य में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और हस्तक्षेप करने के बाद कयामत मच जाएगी। तो अमित शाह जी ये साबित करना चाहते हैं कि कोई कयामत वयामत नहीं होगी, एक राष्ट्र है और एक फैसला है, एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री है, कोई कयामत। और उसके लिए जैसे कि उन्होंने कहा, पत्रकार महोदय ने कहा कि यहां की जनता को परेशानी नहीं है, बस ये वो उत्पाद नहीं मचा सकते हैं, वो आतंक नहीं फैला सकते हैं, वो वहां कहर नहीं बचा सकते, इसके लिए पूरी तरह से मुश्किल है। भड़काकर उन्हें भेजा जाता था, चाहे पत्थरबाजों की बात आप कर रहे हो, हाँ, वो शांति से बैठे हैं, बस शांति से बैठे रहिए, अपना काम करिए। लेकिन आप कुछ ये नहीं कह सकते कि सरकार के किसी फैसले को लेकर आप कश्मीर को जला दोगे। आपके पास ये राइट है ना, आपके पास ये ताकत है ना, आप ये नाजायज हरकत कर सकते हैं। ये वहां के चप्पे चप्पे में माहौल पूरी तरीके से चस्पा कर दिया गया है, जो एक मैं समझता हूं ये देश भी यही चाहता है। कर्नल साहब, जो 88 के पहले की स्थिति थी, अब ये कह सकते हैं आज के हालात या कल के हालात को देखते हुए, अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसकी परीक्षाएं स्थगित हुई होंगी, स्कूल कॉलेज बंद हुई होंगी, कश्मीर वालों के दिन अच्छे आने वाले हैं? कश्मीर वालों के दिन अच्छे आएंगे अगर उनके नेता ठीक ठाक विचार करें और उधर कोशिश करें कि माहौल अच्छा हो जाए। जो ट्राइफिकेशन की बात है, लेह लद्दाख के लोग बिल्कुल अलग हैं, जम्मू पुंछ से लेते हुए पुंछ, रजौरी, अखनूर, जम्मू के लोग अलग हैं, और वैली के अंदर भी जो प्रॉब्लम है वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट की है, जहाँ की ये मेन हाईवे जाता है और उसको वहाँ के लीडर्स, और वहाँ सबसे प्रॉब्लम क्या है? आप तो वहाँ पर रहे हैं, पोस्टिंग है, जो आप 6-7 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर रहे हैं, 6-7 जिलों में सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर क्या है? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और अभी कुछ रिलीजन भी उधर हो रही है, जो कि पहले था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे, फिर कह रहे थे हम आजाद हो जाएंगे, अभी वो चाहते हैं कि एक हमें हमें इस्लामिक रूल हमारे ऊपर लागू किया जाए, हम यही फॉलो करेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट भी आ रही है, कहाँ से आ रहा है पैसा? हवाला से आ रहा है, अकाउंट से आ रहा है, या तो ट्रेडिंग से हो रहा है, ये भी इसको इफेक्ट करता है। और हालात तो कंट्रोल में हो जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, इतनी फौज है, इतनी सीआरपीएफ उधर है, जो भी होगा उधर कंट्रोल हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो अगर स्टेट ट्राइफिकेट हो जाए वो ही ठीक है, और वैली को फिर अलग से ही डील कर सकते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स की स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगी, ये बहुत ठीक होगा, क्योंकि अभी 30 साल लगे हैं ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, हालात खराब होते हुए, और 10-15-20 साल लगेंगे ठीक होने के लिए। तो ये जो युद्ध है ये कंटिन्यूस चलना चाहिए, ये नहीं कि अभी कर लिया और छोड़ दिया इसको। जो भी अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी उधर डेवलपमेंट करना है, जो एजुकेशन करना है लोगों को, या इंडस्ट्री सेटअप करना है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, और लोगों को दिमाग में ये हट जाए कि हम लोग कोई अलग हैं, अगर उनको राइट्स दे बिल्कुल देते यही तो जहन से निकालना होगा, जो कर्नल साहब कह रहे हैं कि हम लोग अलग हैं, इस बात को हटानी होगी, निकालनी होगी। मनोज पांडे जी, मैं जरा से समझना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से राय मांगी है, तो जो अभी एक वरिष्ठ पत्रकार बात कर रहे थे अमित जी, बहुत स्वाभाविक है कि 300 में बांटने की बात तो होगी नहीं, क्या राय मांग सकता है केंद्र सरकार कानून मंत्रालय से? देखिए, कानून मंत्रालय से जो राय मांगी जा सकती है, सबसे महत्वपूर्ण राय ये है कि चूंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है 35A और 370, तो अगर बिल लाया जाएगा तो उसके कानूनी पहलुओं के साथ साथ, क्योंकि वहां एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, और विशेषाधिकार को कम करना या विशेषाधिकार को न्यून करना या समाप्त करना एक बहुत बड़ी बात होगी, और संसद में संविधान के संशोधन के लिए बिल लाया जाएगा। एक तो पहली जो बात मेरी समझ में आ रही है वो ये है, दूसरा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव इसका एक अपरिहार्य अंग है। कश्मीर में चूंकि पूरे देश में परिसीमन हो चुका है और उस परिसीमन पर चुनाव हो रहा है, कश्मीर इससे अछूता है, तो परिसीमन की भी बात हो सकती है,
जब पूरे देश में परिसीमन हो सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। तीसरा, हालातों का जायजा लेते हुए किस किस तरीके के और कानून पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो संविधान संशोधन के साथ साथ कानून भी बनाए, और वो ओवरराइडिंग इफेक्ट से जो कश्मीर के कानून होंगे उन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट लाने के लिए, क्योंकि जब तक ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं लाया जाएगा, कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है, और जितने आप कानून पढ़ते हैं उनमें पहले से लिखा रहता है कि ये कानून धारा 370 के कारण जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। यदि वहां की सरकार चाहे तो इन कानूनों को अपने कानूनों में समाहित कर सकती है। तो अब इस पर एक ओवरराइडिंग इफेक्ट भी लाना पड़ेगा, अगर कानून की बात करें कि भाई जो पार्लियामेंट का कानून है अब राज्य के कानून पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हुए ये प्रिवेल करेगा और राज्य का कानून प्रिवेल नहीं करेगा, ये ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, एक बात आप जान लें, हर देश में हर प्रदेश में वहां का आम नागरिक बड़ा शांत होता है, आम नागरिक अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है, अपनी सुरक्षा चाहता है, अपना विकास चाहता है, कोई ये नहीं चाहता कि लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हो। ये चंद लोग होते हैं कहीं भी, जैसे जब जो कहा जाता है कि कुछ ही मछलियां तालाब को गंदा करती हैं, उन मछलियों को चिन्हित कर लिया जाए और उनका शिकार कर लिया जाए तो फिर से वो तालाब साफ हो जाएगा। और अगर 88-89 के बाद ये स्थिति बदली है तो यानी चंद मछलियों ने जो सरकार जो तालाब को गंदा किया है। लेकिन जिसका जवाब देने की बड़ी खबर आ गई है, सरकार ने कानून मंत्रालय से राय ली है कश्मीर में फैसला लेने से पहले राय, आप उसके पहले इसका जवाब दे रहे थे, वो खबर आ गई, सरकार कोई बड़ा नीतिगत फैसला लेगी, ये भी जानकारी आ रही है। कश्मीर में बड़े कानूनी बदलाव की तैयारी हो रही है, बड़े कानूनी बदलाव की, जो हमारे 3 एक्सपर्ट है वो लगातार इसी बात पर डटे हुए हैं, अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने के लिए कश्मीर में फैसला लेने से पहले राय ली गई है। और इसी पर प्रोफेसर मनोज पांडे अपनी जानकारी दे रहे थे कि सरकार कानून मंत्रालय से क्यों बात कर रहा है और क्या वजह हो सकती है, यही सवाल मेरा नवेश शिकोजी से भी है। ये देखिए, ये पूरी रणनीति जब तैयार हो जाएगी कानूनी सलाह के साथ में और पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा और किस तरीके से क्या बदलाव लाना है, मुझे लगता है कि इसके बाद में सर्वदलीय बैठक भी होगी और विपक्ष की भी राय ली जाएगी, उसको सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा फैसला होगा और इस फैसले के बाद में प्रदेश मतलब कश्मीर में जो उसका असरात होंगे वो वाकई बहुत बड़े होंगे और उनको काबू में करने के लिए पूरे देश की सपोर्ट चाहिए होगी, दुनिया की भी सपोर्ट चाहिए होगी और उसके कुछ असर दूसरे सूबों में भी हो सकते हैं, क्योंकि भड़काने की जो नीति है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कुछ लीडर हैं, कुछ अलगाववादी हैं, इसमें दुनिया की कई ताकतें भी ऐसी हैं जो चाहती हैं कि अस्वैत हो भारत में, इस तरह की किसी एक छोटे से मुद्दे को लेकर भारत का नुकसान हो, वो कमजोर हो, इसलिए विपक्ष की राय के लिए सर्वदलीय बैठक भी हो सकती है और उसमें मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिम्मत कर रही है सरकार, जड़ से मिटाने की तैयारी कर रही है और ये मुझे लगता है कि विपक्ष किसी मनोज पांडे जी नावेश जी तो एक कदम आगे निकल गए, ये तो सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, यानी अभी अभी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई लेकिन ये सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, एक कदम आगे, एक स्टेप आगे हैं। नावेद जो कह रहे हैं राजनीति में जो राजनीतिक प्रक्रिया, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, अगर कानूनों में बदलाव की बात आएगी तो केवल, चूंकि 370 कोई सामान्य अनुच्छेद नहीं है या 35 ए कोई सामान्य अनुच्छेद नहीं है, और इनको जो विशेष प्रावधान है इनको अगर संविधान, और एक चीज और आपको बता दें कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, जो भी कानून बनेगा सरकार ये मान के चलेगी कि निश्चित रूप से उन कानूनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी जाएगी और उनकी वैधता पर प्रश्न खड़ा किया जाएगा। तो अब बहुत बड़ा प्रश्न ये आएगा अगर आप, और क्या यही वजह है कि कानून मंत्रालय से राय ली जा रही है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कानून मंत्रालय से बिना राय लिए और कानूनी पहलुओं को बिना समझे, अगर मान लीजिए सरकार कानून बना ही दे और कहीं उच्चतम न्यायालय इसे फंडामेंटल राइट या 370 या कुछ टेक्निकल चीजों को मानते हुए कहीं 1% भी क्वेश्चन कर दे तो देश के सामने बड़ी गंभीर स्थितियां आ जाएंगी। ये कोई कोई फजीहत नहीं, देखिए फजीहत तो राजनीतिक चीजें होती है, ये देश की हमारी जो प्रस्तावना में चीजें हैं इसको फजीहत से ना जोड़िए भाई साहब, ये जो हमारे देश की प्रस्तावना में प्रीएम्बल में जो हमने कहा है कि एकता अखंडता संप्रभुता, प्रश्न संप्रभुता का है, संप्रभुता कोई सामान्य चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिरकार रिटायर्ड कर्नल अनूप के चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट क्यों है, इसका राज जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों,